नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत। आज हम मटर मशरूम बनाएंगे। मशरूम सेहत के लिए रामबाण है। यह इम्यूनिटी, डाइजेशन और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए ये मैंने 250 ग्राम मशरूम लिया है जो कि एडिबल है, और इसे गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये 1 कप फ्रेश मटर है। अब मशरूम को कट कर लेंगे। ये वाला पार्ट थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए इसे काट कर अलग कर लेंगे और इस तरह से इसके पीसेस करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार साइज और शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इसे काटने से पहले धो लिया है, आप चाहे तो काटने के बाद भी धो सकते हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 3 हरी मिर्च हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 3 बड़े साइज के लाल टमाटर हैं। सबसे पहले प्याज को इस तरीके से रफली कट कर लेंगे, साथ में अदरक को भी कट कर लेंगे और इसी में हरी मिर्च को भी डाल लेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। और टमाटर की भी प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब कुकर में 5 चम्मच के करीब तेल लेंगे और अच्छे से गर्म होने पर 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 2-3 तेज पत्ता डालेंगे। ये जब अच्छे से कड़क जाए तो प्याज अदरक वाला पेस्ट डाल लेंगे। और इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब प्याज अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, तो यहाँ पर हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम इसमें टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर लेंगे। टमाटर को भी ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे। आपको अगर लहसुन खाना पसंद है तो इसमें 4-5 के लिए लहसुन का भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर का ऑयल जब सेपरेट हो जाए तो इसमें 1 चम्मच दही ऐड कर लेंगे और इसे लगातार चम्मच चलाते हुए कुछ देर के लिए पका लेंगे। और यहीं पर हम मटर भी ऐड कर लेंगे। अगर आप फ्रोजन मटर ले रहे हैं तो उसे मशरूम डालने के बाद डालें। हल्का सा मटर को भी भून लेंगे, उसके बाद इसमें मशरूम को ऐड कर लेंगे और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इस स्टेज में नमक भी ऐड कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डाल लेंगे। और कटा हरा धनिया भी यहीं पर डाल लेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला, इन सबको डालकर अच्छे से मिला लेंगे और यहीं पर पानी भी ऐड कर लेंगे। पानी अपनी इच्छा अनुसार आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए हो। और लगातार 3 सीटी लगाएंगे। लीजिए, लाजवाब मटर मशरूम तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही फटाफट बनता है।
आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।